एक आदमी मेले में गुब्बारे बेचकर गुजर बसर करता था। उसके पास लाल, पीले, नीले, हरे कई रंगों के गुब्बारे। जब उसकी बिक्री कम होने लगती तो हीलियम गैस से भरा एक गुब्बारा हवा में उड़ा देता। बच्चे जब उस उड़ते गुब्बारे को देखते तो वैसा ही गुब्बारा पाने के लिए आतुर होते। मतलब यह है कि जब उसकी बिक्री गिरती थी गुब्बारे वाले की, तो वो कुछ करता था। वो मायूस होकर नहीं बैठता था, वो क्या करता था, कुछ करता था। मतलब गुब्बारा ही उड़ा देता था तो लोगों का ध्यान आकर्षित हो। मतलब लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए कुछ तो करना पड़े। उसके पास गुब्बारे खरीदने के लिए पहुंच जाते बच्चे और उस आदमी की बिक्री फिर से बढ़ने लगती। उस आदमी की बिक्री जब भी घटती वह उसे बढ़ाने के लिए गुब्बारे उड़ाने का यही तरीका अपनाता। एक दिन गुब्बारे वाले को महसूस हुआ कोई उसके जैकेट को खींच रहा है। उसने पलट कर देखा तो वहां एक बच्चा खड़ा था। बच्चे ने उससे पूछा, अंकल अगर आप हवा में किसी काले गुब्बारे को छोड़ें तो क्या वह भी उड़ जाएगा? बच्चे के इस मासूम सवाल ने गुब्बारे वाले के मन को छू लिया। बच्चे की ओर मुड़कर उसने जवाब दिया, बेटे गुब्बारा अपने रंग की वजह से नहीं बल्कि उसके अंदर भरी चीज की वजह से उड़ता है। मतलब कोई भी रंग का गुब्बारा उड़ सकता है। हाँ, कोई भी रंग का गुब्बारा उड़ सकता है। तो क्या जिंदगी में कोई भी व्यक्ति कामयाब हो सकता है? हाँ, कोई भी कामयाब हो सकता है। मुद्दा सिर्फ एक ही है, उसके अंदर क्या है। और अंदर से मतलब बाकी सब, हृदय, हड्डी, मांस, मज्जा, किडनी, लीवर, वो सब तो सेम ही है। जो काम आपका हृदय करता है वही काम मुकेश अंबानी का हृदय करता है, वही काम नरेंद्र मोदी का हृदय करता है, वही काम डोनाल्ड ट्रंप का हृदय करता है। हर व्यक्ति का काम हृदय, हर व्यक्ति का हृदय एक ही काम करता है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो कम पढ़ा लिखा है, चाहे वो ज्यादा पढ़ा लिखा है, कोई भी व्यक्ति है, हृदय सबका एक सही काम कर रहा है। जुबान सबका एक सही काम कर रही है, बोलने का ही काम करती है। आंखें सबका एक सही काम करती है, देखने का ही काम करती है। दिमाग के अंदर जो कुछ भी भरा हुआ है उसी की वजह से आपकी हाइट डिसाइड होती है कि आप कितना ऊपर जाने वाले हैं। आपके दिमाग में कैसे आइडियाज हैं, आप कैसे लोगों से मिलते जुलते हैं, आप कैसे चीजों के ऊपर सोचते हैं, आपका सोचने का नजरिया क्या है। जो चैलेंज आते हैं उसके ऊपर हम विचार कैसे करते हैं। चैलेंज तो सबको आएगा। अरे चैलेंज तो कामवाली भाई को भी आता है। जो कामवाली भाई है ना उसको भी चैलेंज आता है। वो 10 घरों में जाती है, एक मैडम है वो कहती है कि मैं 8 बजे स्कूल चली जाती हूँ, मेरे 8 बजे से पहले। कोई कहता है मेरे 9 बजे से पहले। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। उसको सारे को मैनेज करना है, वो भी बिजनेसमैन है।